नमस्कार दोस्त। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने किसी भी मोबाइल नंबर को यानी कि किसी भी सिम नंबर को पेटीएम से कैसे रिचार्ज कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा, पेटीएम में हमेशा कुछ न कुछ ऑफर्स चलते रहते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से कैसे रिचार्ज कीजिएगा अपने मोबाइल नंबर को पेटीएम के जरिए, या फिर कितने तक का रिचार्ज कीजिएगा आप अपने मोबाइल नंबर को, ताकि आपको 100% का कैशबैक मिल जाए। यानी कि आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऑफर्स के बारे में भी डिटेल में जानकारी दूंगा, और साथ ही ये भी क्लियर करूंगा कि 100% कैशबैक लेने के लिए आपको कैसे रिचार्ज करना होगा मोबाइल नंबर को, और उसके क्या क्या रूल और कंडीशन है। सो भाई वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको आज नहीं तो कल जरूर काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई पेटीएम से किसी भी सिम नंबर को रिचार्ज करने के लिए सिंपली आप अपने मोबाइल में पेटीएम ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। आप लोग प्ले स्टोर में जाना और सर्च करना पेटीएम, तो आपके सामने ये एप्लीकेशन उभर करके आ जाएगी। इस एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं पेटीएम का बीटा टेस्टर बन जाऊं, यानी कि बीटा यूजर बन जाऊं, तो आप नीचे की तरफ आएं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा ज्वाइन द बीटा, और यहाँ पर एक ऑप्शन है ज्वाइन का, इस पर आप क्लिक कीजिए और एक पॉपअप ओपन होगा। यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन है, इस पर भी क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ चुका है, बीटा साइन अप इन प्रोग्रेस, इट टेक्स ए फ्यू मिनट्स, यानी कि कुछ मिनट का टाइम लिया जाएगा, उसके बाद आप पेटीएम का बीटा यूजर बन जाएंगे। ठीक है, यानी कि कुछ टाइम के बाद, कुछ मिनट के बाद आप पेटीएम का बीटा टेस्टर बन चुके होंगे। अब इससे फायदा ये होगा कि भाई पेटीएम में जो भी अपडेट आएंगी, नई नई अपडेट या फिर नए नए फीचर्स ऐड किए जाएंगे, वो सारे के सारे अपडेट, सारे के सारे फीचर्स सबसे पहले आपको मिलेंगे, उसके बाद ही नॉर्मल यूजर्स को मिलेंगे। ठीक है, सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पेटीएम का बीटा यूजर बनना चाहते हो या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की कि आखिर में पेटीएम से हम अपने किसी भी सिम नंबर को कैसे रिचार्ज कर सकते हैं। तो दोस्त उसके लिए आपको अपने मोबाइल में पेटीएम ऐप ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, और साथ ही आपको पेटीएम एप्लीकेशन में अपना बैंक अकाउंट भी ऐड कर लेना है। अगर आपको बैंक अकाउंट ऐड करना नहीं आता, या फिर आपको अकाउंट क्रिएट करना नहीं आता पेटीएम एप्लीकेशन में, तो आप कमेंट करना यार, मैं इस पर एक पार्टिकुलर वीडियो बना दूंगा कि आखिर में पेटीएम ऐप को कैसे यूज किया जाता है, सारा प्रोसेस बताऊंगा। उसी में मैं ये भी क्लियर कर दूंगा कि आखिर में यहाँ पर बैंक अकाउंट कैसे ऐड किया जाता है, कैसे अकाउंट बनाया जाता है, सारा कुछ क्लियर करूंगा। सिर्फ आप कमेंट करके देखो यार। अब देखिए यहाँ पर हमें मोबाइल रिचार्ज करना है, तो यहाँ पर देखिए जब आप पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है, मोबाइल रिचार्ज करना है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, रिचार्ज एंड पे बिल्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने के बाद एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, रिचार्ज एंड पे बिल्स, यहाँ पर आप प्रीपेड या पोस्टपेड सिम नंबर का रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएच का रिचार्ज कर सकते हैं, ब्रॉडबैंड या फिर लैंडलाइन का रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेड कर सकते हैं, और भी कई सारे यहाँ पर ऑप्शंस हैं, आप जिसका चाहे उसका यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे मोबाइल रिचार्ज करना है, तो मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर दो ऑप्शन दिए गए हैं, प्रीपेड और पोस्टपेड। अगर आपका सिम प्रीपेड है तो आप पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट रहने दें, और अगर आपका सिम नंबर पोस्टपेड है तो आप सेकेंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो मेरा सिम नंबर प्रीपेड है, आपका भी प्रीपेड ही होगा, तो आप पहले नंबर को ही सेलेक्ट रहने दें, यानी कि प्रीपेड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट रहने दें। अब देखिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है इंटर मोबाइल नंबर, यानी कि अब आप यहाँ पर उस मोबाइल नंबर को डालें जो मोबाइल नंबर आप रिचार्ज करना चाहते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर मैं ऑफर की बात बता दूँ, यहाँ पर देखिए एक ऑफर है, गेट 100% कैश बैक अप टू 50 रुपीज ऑन योर फर्स्ट रिचार्ज या बिल पेमेंट ऑफ RS 48 और मोर, यानी कि आपको यहाँ पर 100% का कैशबैक मिलेगा। किस कंडीशन में वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आप कैशबैक चाहते हैं, 100% का कैशबैक चाहते हैं, तो गेट 100% कैशबैक अप टू 50 रुपीज ऑन योर फर्स्ट रिचार्ज, यानी कि अगर आप 50 रुपये तक का रिचार्ज करते हैं अपने मोबाइल नंबर को, या फिर बिल पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको 100% का कैशबैक मिलेगा। और ये सारे यूजर्स को नहीं मिलेगा जो फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार पेटीएम से किसी भी सिम नंबर को रिचार्ज कर रहे हैं या फिर बिल पेड कर रहे हैं, उनको यहाँ पर 100% का कैशबैक मिलेगा। अब भाई करना कैसे है, तो देखिए यहाँ पर एक कॉपी का ऑप्शन है, इसको आपको कॉपी कर लेना है।
अब देखिए ये कॉपी हो चुका है। अब जहां पर आप मोबाइल रिचार्ज करोगे या फिर बिल पे करोगे ना, वहां पर उसको आपको पेस्ट कर देना है, तो आपको 100% का कैशबैक मिल जाएगा। लेकिन हाँ, इतना ध्यान रखना कि आप पहली बार अगर पेटीएम का यूज कर रहे हैं तो ही मिलेगा। वैसे यहाँ पर और भी कई सारे ऑफर्स हैं, देखिए यूज द प्रोमो कोड गेट अप टू 50 रुपीज कैशबैक, और भी कई सारे यहाँ पर जो है ऑफर्स हैं, तो आप यहाँ पर ऑफर्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर मुझे मोबाइल रिचार्ज करना है, तो इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कई सारे नंबर्स आ जाएंगे, आप जिसका भी नंबर रिचार्ज करना चाहते हो सिंपली आप उस पर क्लिक कर दे, या फिर अगर आप नया मोबाइल नंबर रिचार्ज करना चाहते हो तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर कीबोर्ड से डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ फर्स्ट वाले ऑप्शन पर। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर नंबर आ चुका है, और ये जियो का सिम है वो भी आ चुका है, और यहाँ पर प्रीपेड है वो भी ऑटोमेटिक आ चुका है। ठीक है, और जियो बिहार झारखंड ये सारा कुछ आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है, कितने रुपये का आप रिचार्ज करना चाहते हो। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं 10 रुपये का करना चाहता हूँ, यहाँ पर 10 डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर टॉक टाइम दिखा दिया जाएगा कि आपको कितना टॉक टाइम मिलेगा, और अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते हैं यानी कि फास्ट रिचार्ज करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लें, उसके बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस ले, उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सेलेक्ट ऑप्शन यानी कि पेमेंट मेथड का ऑप्शन चूज करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप यहाँ पर अगर आपका पेटीएम बैलेंस है और उसमें बैलेंस है तो आप इसे चूज कर सकते हैं। वैसे मेरे पेटीएम बैलेंस में कोई भी बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पर हाईलाइट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपने UPI ID के जरिए यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए जो भी आपने यहाँ पर बैंक ऐड कर रखा है यहाँ पर दिख जाएगा, उससे आप पे कर सकते हैं, या फिर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम UPI, नेट बैंकिंग, यानी कि कई सारे पेमेंट मेथड का ऑप्शन दिया गया है। आप जैसे चाहे वैसे आप रिचार्ज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ पे RS 10 पर क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पर मैं अपने खाता से ही रुपया कटवाना चाहता हूँ, यानी कि अपने बैंक से ही रुपये को डिडक्ट करवाना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, उसके बाद यहाँ पर आपको आपका जो भीम UPI पिन है वो आपको मांगा जाएगा, तो आप यहाँ पर डाल देना, तो मैं फटाफट डाल देता हूँ। UPI पिन डालने के बाद अब यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, उसके बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा कुछ इस तरीके से। देखिए प्रोसेसिंग पेमेंट हो चुका है सक्सेसफुल, यानी कि पेमेंट रिसीव्ड हो चुका है, और यहाँ पर देखिए मुझे मैसेज भी आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपको ये ऑप्शन मिल चुका है कि फॉर एनी क्वेरीज रिगार्डिंग रिचार्ज प्लीज कॉन्टेक्ट जियो विथ रेफरेंस नंबर इतना, यानी कि अगर आपका जो रिचार्ज है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है तो आप इसके लिए शिकायत भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको शेयर भी कर सकते हैं, और ये आपका जो मोबाइल है वो रिचार्ज हो चुका है, रिचार्ज सक्सेसफुल। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी सिम नंबर को पेटीएम के जरिए रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर और भी कई सारे ऑफर्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, पेटीएम के होम पेज पर लेकर के चलता हूँ। देखिए यहाँ पर है 7 पे 700, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ गया। अब देखिए 7 पे 700 ये क्या लिखा हुआ है, मनी ट्रांसफर 7 टाइम्स डायरेक्टली फ्रॉम बैंक अकाउंट, यानी कि अगर आप 7 बार डायरेक्टली बैंक अकाउंट से मनी ट्रांसफर करते हैं किसी को भी, तो आपको 700 रुपये का कैशबैक मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर उसके रूल और कंडीशन लिखे गए हैं, आप खुद रीड कर लेना, वरना वीडियो और ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए यार रीड कर लेना। लेकिन यहाँ पर आपको 700 रुपये का कैशबैक जरूर मिलेगा, आप यहाँ पर रीड कर लेना, और अपने मोबाइल रिचार्ज करने के लिए 700 रुपये का कैशबैक का लुफ्त जरूर उठाना। तो दोस्त मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आखिर में पेटीएम से मोबाइल कैसे रिचार्ज किया जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। और हाँ दोस्त, जाते जाते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहां पर आपको एक यूट्यूब चैनल का लिंक दिख जाएगा, आप लोग उस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपके सामने सुमित भारती इंडियन यूट्यूबर के नाम से एक चैनल ओपन हो जाएगा, वहां पर आपको यूट्यूब के संबंधित काफी सही और सटीक जानकारी मिलेगी। प्लीज आप लोग वहां पर भी मेरा सपोर्ट करे, मेरा साथ दे। तो आज बस इतना ही। तो आई होप दोस्त आज की यह वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, और साथ ही आपको नॉलेज भी काफी अच्छी मिल गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर दबा देना, और अगर आप लोग मेरे को पहली बार देख रहे हो ना तो भाई क्या सोच रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना मत भूलना। और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके प्लीज शेयर जरूर कर देना, ताकि थोड़ा बहुत हमें भी सपोर्ट मिल सके। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।